तो आ गए आप लोग, वेलकम टू बी जस्टिफाई क्लासेस। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त हो गए है ना? मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो चलिए आज का टाइम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंजक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि कंजक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? कंजक्शन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को या फ्रेजेस को या वर्ड्स को क्या करता है? आपस में ज्वाइंट करने का काम करता है। ठीक है, सेंटेंस हो, फ्रेज हो या फिर वर्ड्स हो, उन्हें जो भी वर्ड, एक एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो उसे ज्वाइंट करता है दो अलग अलग सेंटेंसेस को, वर्ड को, तो उन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं। बात क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया है एक एंड, तो मैं एंड का एग्जांपल अगर लूँगा यहाँ पर, तो एंड में कह दूँ मैं और आप वहाँ चलेंगे। अब बीच में देखिए और यानी एंड आया बीच में, तो एंड क्या है? एक कंजक्शन है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बट आ गया आगे ना, ये रहा बट, तो बट भी एक कंजक्शन है क्योंकि मैं इसका यूज़ करके कोई एक नया नया सेंटेंस ऐड कर रहा हूँ। बात क्लियर? चलिए आइए इसी के साथ मैं आगे दिखाता हूँ कुछ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने कुछ ले रखा है सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन। ये कुछ ऐसे कंजक्शन हैं जिनका यूज हमने ऑलरेडी देख रखा है, मैंने जितने भी थ्योरी पोर्शन पढ़ाए हैं वहाँ पर मोस्टली मैंने इसमें से डिस्कस कर रखा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देख रखा है ना। अगर नहीं देख रखा है जिन बच्चों ने, तो जाओ देखो, स्टार्टिंग से मेरी सारे वीडियोस को फॉलो करो, आप लोग को सारे के सारे टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक बार, अभी इस वीडियो में तो नहीं, कि अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो एक तरीके से मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट होगा है ना। मैं क्या करूँगा, इनमें से जो मैंने यूज़ नहीं करा रखे हैं उनको मैं आगे अभी उसके कुछ एग्जांपल्स और उसके कुछ थ्योरी पोर्शन को समझाते हुए डिस्कस करूँगा। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पर डे एक 5 मिनट का वीडियो लाऊँ जिसपे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही वर्ड्स कंजक्शन वाले उनको मैं डिस्कस किया करूँगा। तो ये चीज़ मेरा करना आप लोग के लिए कैसा होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं वो 5 मिनट का स्मार्ट क्लास लेकर के आऊँ जिससे आप लोगों को 5 मिनट में ज़्यादा नॉलेज दी जा सके? ठीक है, चलिए आइए इसी के सीक्वेंस में आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा टॉपिक है एज एज, थोड़ा सा ये कट गया है पता नहीं क्यों, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स, इसका यूज़ क्या करते हैं? दो पर्सन या दो किसी भी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाँ जी, एज एज का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज एज क्लीवर एज यू, इसका मतलब क्या है कि वह जितना आप चतुर हो उतना वो भी चतुर है ना, ही इज एज क्लीवर एज यू, जितना आप उतना वो है ना। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ, नीचे वाले सेंटेंस की बात करूँ, तो ही इज़ नॉट क्लीवर एज यू। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इसका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों में हम कर रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, हम इसका सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं, दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे एज एज का मतलब होता है कि तुम्हारे जितना, तो मतलब ही इज़ एज क्लीवर एज यू, वह तुम्हारे जितना चतुर है। दूसरा देखो, ही इज़ नॉट एज क्लीवर एज यू, वह तुम्हारे जितना चतुर नहीं है। बात समझ में आई? तो तुम्हारे जितना मतलब जितना कंपेयर करने के लिए इनका यूज हम करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। सो एज, ये क्या है हमारा एक टॉपिक है। देखिए, सो एज का यूज़ क्या है हमारा, इसमें क्या करना है, यूज़ मेक कंपैरिजन टू बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, इसका भी सेम चीज़ वैसा ही है, बट यहाँ पर एक एडिशनल कंडीशन आ गई है, वो क्या है, वो ये है, सो एज इज यूज्ड ओनली इन निगेटिव सेंटेंस, ये ट्रिपल स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसे याद करना होगा आप लोगों को, जो मैं ट्रिपल स्टार बनाऊँ आज से समझना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सो डैड डैड डैश एज, वो डैड डैड डैश मतलब है बीच में कोई सेंटेंस ऐड होगा, ठीक है, या वर्ड ऐड होगा, तो सो एज इज़ यूज ओनली इन निगेटिव सेंटेंस, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम निगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला सेंटेंस है, ही इज़ नॉट सो क्लीवर एज यू,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में तो ही इज नॉट सो क्लेवर एज यू, ये तो बिल्कुल सही है कि वह तुम्हारे जितना चतुर नहीं है। लेकिन अगला देखिए ही इज सो क्लेवर एज यू, पहला सेंटेंस तो हमारा किस में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है ना, लेकिन दूसरा वाला क्या है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो पॉजिटिव में हम ना ले जा करके कहेंगे क्या, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट यही कह रहा है कि ये क्या है, हमेशा निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ कभी नहीं करेंगे, ही यूज़ ओनली इन निगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा वाला पॉजिटिव सेंटेंस जा रहा था, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। बात क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, अनटिल और अनलेस का यूज़, ठीक है। इसका यूज़ किस तरीके से करना है हमने, तो आइए देखते हैं। वैसे इसकी हिंदी तो होती है जब तक, ठीक है। अब देखिए अनटिल का यूज़ क्या है, टाइम ओरिएंटेड। अनलेस का यूज़ क्या है, एक्शन ओरिएंटेड। अब ये चीज़ क्या है, टाइम ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड, देखिए आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि है, बोथ आर निगेटिव वर्ड्स, ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। आइए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, ठीक है। ये ऑलरेडी निगेटिव है तो इसलिए इनके साथ सेंटेंस में हम निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे जिस सेंटेंस में ये अटैच होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस है, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, यहीं इंतज़ार करो जब तक मैं ना आ जाऊँ। देखिए यहाँ पर ना आ जाऊँ ये चीज़ यहाँ पर है नहीं, अनटिल का यूज कर लिया गया तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ये शो कर रहा है कि ये निगेटिव सेंस में जा रहा है। इसके बाद दूसरा देखिए, अनलेस You do not work hard, you will not pass। यहाँ पर देखिए unless भी है और do not भी है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि मैंने कह रखा है जिस सेंटेंस में इसका यूज किया गया है unless या until का, उस सेंटेंस में हम नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। थर्ड वाला आए देखते हैं, थोड़ा सा इसे पहले रिमूव कर दूँ, है ना। चलवाओ अब देखते हैं थर्ड वाला, इसमें क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हो कि यहाँ पर नॉट है, हाँ जी दिया तो है नॉट, लेकिन मैंने क्या कह रखा है कि जिस सेंटेंस में ये वर्ड अटैच होगा, तो ये देखिए ज़रा सा आगे वाला सेंटेंस क्या, यहाँ पर कहीं आपको निगेटिव वर्ड दिखा रहा है, तो आंसर है जी नहीं। तो बस अब आप बिल्कुल सही राइट वे पर जा रहे हो, इसका मतलब जिस भी वर्ड में ये चीज़ अगर अनटिल और अनलेस का यूज हमने किया है, उस सेंटेंस में हम निगेटिव का यूज नहीं कर सकते, निगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा ऑल्दो, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो क्या होता है, ऑल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि या फिर हालांकि। देखिए हम क्या करते हैं, जिस सेंटेंस में, याद रखना इन सब चीज़ों को, बहुत मस्त मस्त बता रहा हूँ, कि जिस सेंटेंस में ऑल दो या फिर दो इनका यूज किया गया हो, उस सेंटेंस में हम दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम बीच में येट या फिर कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। येट का मतलब वैसे होता है यहाँ पर फिर भी। चलिए आइए फर्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या है, ऑल दो सी इज क्लेवरर येट सी वॉज रिजेक्टेड बाय द इंटरव्यू। एक बात और है यहाँ पर, सेकेंड टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बता दिया करो। सेकेंड सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंस का मतलब यहाँ है सेकेंड सेंटेंस मस्ट बी अपोजिट, मतलब इसमें जो दो सेंटेंस होगा उसमें से एक सेंटेंस क्या होगा, पहले वाले सेंटेंस के जस्ट उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तुम वहाँ जाओगे, तो तुम कहोगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मतलब जस्ट अपोजिट कोई ना कोई काम किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ, ऑल दो सी इज क्लेवरर येट सी वॉज रिजेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर, कह रहे हैं यद्यपि वह बहुत चतुर है, पहली बात तो, इसके बावजूद मतलब फिर भी, आ गया ना येट का मतलब, मैंने बताया फिर भी, तो फिर भी सी वॉज रिजेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यूअर्स के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब वो तो चतुर था ही, फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब पहले सेंटेंस के अगेंस्ट वहाँ था दूसरा वाला सेंटेंस, उसके लिए हमने बीच में येट का यूज़ किया और स्टार्टिंग में ऑल दो का यूज़ किया। जी बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। और सेकेंड देखते हैं, दो गिफ्ट वॉज एक्सपेंसिव, यद्यपि गिफ्ट बहुत महंगा था, ही वॉज बॉट इट, फिर भी उसने उसे खरीद लिया। देखो या तो आप येट यूज़ करो, अगर आप येट का यूज़ नहीं करते हो तो भी आप अगर कॉमा का यूज़ कर देते हो फिर भी सेंस निकल जाता है, ठीक है। या तो आप येट का यूज़ कर लो या फिर कॉमा का यूज़ कर लो, दोनों बात बिल्कुल सही है ना। चलो ठीक है आओ आगे देखते हैं। तो हमारा सेकंड वाला क्या है, दो गिफ्ट वॉज एक्सपेंसिव, यद्यपि गिफ्ट बहुत महंगा था, ही बॉट इट, फिर भी उसने उसे खरीद लिया, फिर भी बात सही है ना।
क्योंकि कॉमा लगा है, यहाँ पर मीनिंग निकल रही है। आओ अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्या है, लेस्ट। देखिए ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज़, हल्का फुल्का समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है इसमें, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। लेस्ट इज़ फॉलोड बाई शुड, यानी जिस भी सेंटेंस में हम इस लेस्ट का यूज करेंगे, इसका वैसे मीनिंग पहले बताऊँ तो ऐसा ना हो कि, कहते हैं ना ऐसा ना करो कि मैं तुमको थपड़िया दूँ, है ना, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो क्या है कि ऐसा ना करो कि ये काम ऐसा हो जाए, तो ऐसा वैसा कैसा ये सब सेंटेंस क्या होता है इसमें चलता है। तो आओ देखो यहाँ पर एक चीज़ है लेस्ट का यूज़। तो लेस्ट आप देखो कहते हैं क्या है, इनका यूज़ किस तरीके से हम करेंगे। लेस्ट इज़ फॉलोड बाय शुड, यानी जिस भी सेंटेंस में हम लेस्ट का यूज कर लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, शुड का यूज हमने करना ही करना है। और क्या करना है, या फिर हम लेस्ट का यूज करने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म की, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वहाँ पर हम किसी भी तरीके से सेकंड फॉर्म या फिर आईएनजी वाले फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर, सेकंड फॉर्म और आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, लिस्ट इज नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव वर्ड है। सो डू नॉट यूज नॉट, नो और नेवर विथ लिस्ट। अरे जी, जैसे ये नेगेटिव वर्ड है ना, तो जब एक बार नेगेटिव वर्ड आ गया बीच में तो हमने क्या करना है, और भी किसी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है जी, इसे इम्पोर्टेंस देनी है, इसकी इज्जत को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इस पर। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ऐसा मेहनत, मतलब मेहनत से पढ़ो नहीं तो, या मेहनत से पढ़ो ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ, है ना। तो आ गया ना मेहनत से पढ़ो लेस्ट, ऐसा ना हो कि फेल कर जाओ। या तो ऐसे देख लो, लेस्ट के बाद हमने किसका यूज किया, शुड का यूज किया, तो भी सेंटेंस रॉन्ग है। अरे राइट है, क्या हो गया मुझे। इसके बाद सेकंड देखो, स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल्ड। अब यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रखा है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर ले, मैंने कहा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लो आफ्टर यूजिंग लेस्ट, या फिर शुड का यूज कर लो, दोनों बात सही है। तो यहाँ पर क्या है, स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल, मतलब मेहनत से पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो देखो दोनों में सेंस निकल रहा है और दोनों सेंटेंस हमारा बिल्कुल चकाचक सही है। आओ आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या ख़त्म हो गया, ओ चलो ठीक है, मस्त रहो, बिंदास रहो, और क्या है, पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ क्या कह रहे हो, मुझे पता है कि आज कह रहे हो सर मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अरे कभी कभी एडजस्ट किया करो, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने हूँगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।